आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। धौलपुर से बड़ी खबर है, कोतवाली थाना क्षेत्र में देर शाम पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी भरत और रविंद्र। पुलिसकर्मियों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को टोकने पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिसकर्मियों पर की अंधाधुंध फायरिंग, दीवार की ओट लेकर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। फायरिंग कर दो बदमाश फरार हो गए हैं। घटनास्थल पर मिले कारतूस कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने शहर की घटना, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं उन कारतूस की जो पुलिस पर चलाए गए थे। किस्मत अच्छी रही कि दीवार की ओट में जाकर पुलिसकर्मियों ने अपनी जिंदगी को बचा लिया, लेकिन ये घटना ये बताती है कि बदमाशों के अंदर पुलिस का डर कम हो रहा है। वो पुलिस को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रही है। देर शाम की ये घटना जब पुलिस पर ही फायरिंग कर दी गई। धौलपुर से मेरे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, ये घटना बताती है कि बदमाशों में पुलिस का डर कम हो रहा है, वो पुलिस पर भी फायरिंग करने से चूक नहीं रहे। जानकारी लग पाई जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है वो किस गैंग से है, वो कौन है? देखिए विनोद, पूरे मामले की बात करें, जिस दीपावली का जो त्योहारी सीजन चल रहा है उसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से सख्त गश्त की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में देर रात को कोतवाली क्षेत्र के दो कांस्टेबल बाइक से गश्त कर रहे थे। इसी दौरान खिड़की मोहल्ला पुराने शहर में जो है वहां पर एक बाइक पल्सर बाइक पर दो युवक खड़े हुए थे, उनकी स्थिति कुछ संदिग्ध सी लगी, जिसके बाद जो बाइक सवार जो कांस्टेबल थे, कांस्टेबल एक बार पूछताछ के उनके पास पहुंचते हैं तो वो पुलिस को देखकर वहां से भागते हैं। भागने के बाद पुलिसकर्मी द्वारा पीछे किया जाता है तो आगे गाड़ी रोककर पुलिस के ऊपर टावर तोड़ फायरिंग की जाती है। करीब चार राउंड फायर किए जाते हैं, जिसके बाद पुलिस के जो जवान थे उन्होंने दीवार का ओट लेकर अपने आप को बचाया और इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी, जिसके बाद जाप्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन इसके तुरंत बाद ही युवक फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। अभी तक नहीं पता लग पाया है कि ये युवक कौन से और आगे किस मकसद से वहां घूम रहे थे, क्या इसके पीछे था, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। जी,